बेटा, संसाधनों की भू राजनीति की ओर। भू यानी धरती। पूरे विश्व में धरती में विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरह के खनिज हैं, विभिन्न तरह के संसाधन हैं। इनको लेकर भी कुछ राजनीति होती है। इसको अब हम थोड़ा जानेंगे, इस राजनीति का क्या स्वरूप है, इस राजनीति का क्या परिणाम है और कारण क्या है। विकास के नाम पर विश्व के सभी देशों के बीच में एक तरीके से स्पर्धा प्रतिस्पर्धा चल रही है और हर कोई इस विश्व राजनीति में वर्चस्वता चाहता है। इस प्रतिस्पर्धा में सभी देश ये जो प्राकृतिक संसाधन है इस पे अधिक से अधिक नियंत्रण कायम रखने का प्रयास करते हैं। किसी देश का अमीर अमीर शक्तिशाली या विकसित बनाने में इन संसाधनों की अहम भूमिका होती है। किसी देश को अमीर शक्तिशाली या विकसित बनाने में संसाधनों की अहम भूमिका होती है और यही बात राजनीति के मामले में एक मुद्दा बन जाती है। संसाधनों से जुड़ी हुई जो भूज राजनीति है पश्चिमी दुनिया के ज़्यादातर जो व्यापारिक संबंध हैं, ज़्यादातर युद्ध, ज़्यादातर ताकतों का प्रदर्शन, ये सब उसी संसाधनों के नियंत्रण के प्रयासों का परिणाम है। चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, चाहे हम युद्धों की बात करें या अपने अपने ताकत दिखाने की बात करें, ये सब क्या है आखिर? ये भू राजनीति का ही खेल है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशों में वहाँ के संसाधनों की मौजूदगी और समुद्री नौवहन में दक्षता हासिल करना। विदेशों में संसाधनों पर और समुद्री नौवहन, इसमें दक्षता महारत हासिल करके अपनी वर्चस्वता बनाना। हम ये भू राजनीति को कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यदि उसमें हम पहली बात करें तो वह है इमारती लकड़ी। किसी भी देश की नौसैनिक शक्ति जो है, नौसेना की शक्ति, वो इमारती लकड़ियों की उपलब्धता पर टिकी रहती है, क्योंकि अधिकतर जहाज उनको बड़ी बड़ी लकड़ियों की ज़रूरत होती है। विदेशी व्यापार भी नौसैनिक शक्ति से ही होता है, क्योंकि व्यापार हवाई मार्ग से काफ़ी कम होता है, समुद्री मार्ग से ज़्यादा होता है। तो व्यापार का मुद्दा और सामरिक दृष्टि से नौसेना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे लकड़ियों की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए पश्चिमी देशों ने नौसैनिक शक्ति के बल पर ही, हमने देखा है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन क्षेत्रों में प्रभुत्व जमाया और फिर क्या किया, उसके बाद व्यापार किया। अर्थात नौसैनिक शक्ति ही उन्हें व्यापार के लायक, विदेशी व्यापार में सक्षम बनाती है। जहाज की जो शहतीरें होती हैं, हल आदि जो होता है, उसके लिए इमारती लकड़ियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और 17वीं शताब्दी से, अर्थात सन 1600 के बाद, जब हम देखते हैं अचानक भारी मात्रा में कुछ यूरोपियन देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड आदि शामिल हैं, तो इसके पीछे उनकी नौसैनिक शक्ति ही रही है। और इसके मद्देनज़र, इसकी ज़रूरत के मद्देनज़र, यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकता भी रही है ऐसे भूभागों पर नियंत्रण जो वनाच्छादित हों, ताकि वहाँ से पर्याप्त लकड़ियाँ उन्हें नौसेना के लिए मिल सके। दूसरा, तेल भंडार। इमारती लकड़ी के बाद तेल भंडार एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। और यदि हम गत शताब्दी की बात करें, वर्तमान शताब्दी की बात करें, तो 19वीं 20वीं शताब्दी
कि जो पूरी अर्थव्यवस्था थी विश्व की वो तेल पे आधारित थी, ऊर्जा पे आधारित थी, और ऊर्जा का एक ही स्रोत था तेल। पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्षों का इतिहास रहा है। मध्य पूर्व एशिया के जितने युद्ध हम सुनते हैं वे सब पेट्रोलियम के नाम से हुए हैं। ऐसे ही यदि हम कुछ अन्य देशों की ओर देखें और कारण जानने की कोशिश करें कि वहाँ युद्ध क्यों हुए, तो आप पाएंगे कि वहाँ के युद्ध के कारण भी कुछ पेट्रोलियम से जुड़े हुए मामले ही थे। पश्चिम एशिया, जो मिडल ईस्ट का क्षेत्र कहलाता है, इसमें कुल तेल का उत्पादन 64% तेल वहाँ है। विश्व के तेल उत्पादन का 64% उत्पादन वहाँ उपलब्ध है। बल्कि उत्पादन के अलावा वहाँ जो खनिज तेल की मात्रा भी है वह भी विश्व में सर्वाधिक है। इस मिडल ईस्ट क्षेत्र में केवल खाड़ी क्षेत्र में ही 30% तेल है। अब आप समझ सकते हैं कि तेल के मामले में ये क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। सभी विकसित देशों की पैनी नज़र इन क्षेत्रों पे होती है और इसीलिए ये क्षेत्र सतत रूप से युद्ध का कारण, युद्ध का क्षेत्र रहे हैं। और कारण पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र, और इराक तेल का दूसरे नंबर पर उत्पादक क्षेत्र। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सऊदी अरब और इराक, यहाँ जो बार बार तनाव होता है उसका मुख्य कारण तेल के उत्पादन पर नियंत्रण। अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन और भारत, यहाँ पर इस तेल की खपत होती है। इन सब महत्वपूर्ण देशों में तेल की खपत इसी क्षेत्र से आती है और सभी देश इन तेल उत्पादक देशों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं, अपना कब्जा चाहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे इस तरह की राजनीति होती है। तेल की यदि हम बात करें तो ये भी जानना जरूरी है कि पेट्रोलियम पे आधारित मात्र ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही नहीं है, बल्कि उसके अलावा हमारी दैनंदिन जीवन के बहुत सारे सामान, उनका निर्माण पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही होता है। टूथपेस्ट, पेसमेकर, पेंट, स्याही, दुनिया की तमाम चीज़ें, और परिवहन के मामले में तो पेट्रोलियम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ही। ऊर्जा की ज़रूरत होती है, पेट्रोलियम ऊर्जा की। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व की 95% ऊर्जा की ज़रूरत पेट्रोलियम से पूरी होती है। 95%, अर्थात एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विश्व की समस्त ऊर्जा की ज़रूरत जो है वो पेट्रोलियम से होती है, और पेट्रोलियम अधिकतम इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पेट्रोलियम जिन क्षेत्रों में पाया जाता है उसकी महत्ता कितनी है, और इसीलिए राजनीतिक दृष्टि से वे भूभाग कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पूरी दुनिया की नज़र, औद्योगिक दुनिया की नज़र भी इन पेट्रोलियम से लदे हुए भू क्षेत्रों पर टिकी रहती है। सच्चाई तो यह है कि हम पेट्रोलियम के बिना आप जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। अरबों बैरल तेल रोज इस्तेमाल होता है, अरबों बैरल तेल अभी रोज ज़मीन से निकाला जाता है, लेकिन फिर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कमी बनी रहती है, पेट्रोलियम की कमी बनी रहती है, और उसके उत्पादन को बढ़ाने को लेकर, उसकी कीमतों को लेकर, उसके नियंत्रण को लेकर सतत रूप से विभिन्न देशों के बीच विवाद बना रहता है। तीसरा जो विश्व राजनीति का भूभाग संबंधी पहलू है वह है जल संसाधन।
इमारती लकड़ी, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम और अब है जल संसाधन। दुनिया के सभी क्षेत्रों में शुद्ध जल उपलब्ध नहीं है, या उपलब्ध हैं तो पर्याप्त नहीं है। और जल के बिना जीवन नहीं, ये जीवनदायी संसाधन कहलाता है, जीवनदायी संसाधन जो जीवन देता है। और इस जल, इस जीवनदायी संसाधन को लेकर भी विश्व में जब तब तनाव होते रहा है, हिंसक वारदात होते रहे हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए या इन बातों की ओर ध्यान खींचते हुए विश्व राजनीति के कई विद्वानों ने एक शब्द का उपयोग करना शुरू किया, वह है जल युद्ध। यानी आने वाले वर्षों में ऐसी संभावना है कि जल को लेकर भी बड़े बड़े युद्ध हो सकते हैं, जल के नियंत्रण को लेकर, पेयजल के नियंत्रण को लेकर। कई देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने के लिए हिंसक खड़पें हुई हैं। और इसका यदि हम एक उदाहरण ले तो 1950 में, 1960 में यदि इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच में जो संघर्ष हुआ था, खूनी संघर्ष, बहुत हिंसात्मक, यानी विश्व युद्ध के कुछ समय बाद ही जो इजराइल, जॉर्डन और सीरिया के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसका मुख्य कारण था जल, पेयजल पे नियंत्रण की आवश्यकता। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इतना भयावह द्वितीय विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था, उसकी भयावहता से अभी दुनिया उभरी नहीं थी, लेकिन पानी को लेकर एक युद्ध हो जाता है, और वो भी उसी क्षेत्र में जिसे हम मध्य एशिया, पश्चिम एशिया के आसपास देखते हैं। और ये संघर्ष जो हुआ था जल को लेकर हुआ था। बहुत से देशों के बीच में जो नदियां बहती हैं, जो नदियां एक क्षेत्र से, एक देश से होकर दूसरे देश में जाती हैं, ऐसी स्थिति में भी नदियों के पानी को, बंटवारे को लेकर भी कई बार तनाव होता है। और भारत भी इस बात से अछूता नहीं है। पंजाब में पाकिस्तान से आने वाली नदियां, बांग्लादेश में भारत से जाने वाली नदियां, इनके पानी को, बंटवारे को लेकर जब तब तनातनी रहती है। और तो और, यदि हम पानी की महत्ता को और जानना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि भारत के अंदर ही दो तीन राज्यों के बीच भी पानी पर नियंत्रण को लेकर तनाव रहता है। कावेरी नदी विवाद इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जिसका हल अभी तक निकाला नहीं जा सका है। चौथा, भूभाग को लेकर जो राजनीति होती है, भूभाग के नियंत्रण को लेकर, जिसके पीछे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की मंशा रहती है, उसका एक चौथा डायमेंशन, चौथा पहलू, मनपसंद सरकार बहाली तथा बहुराष्ट्रीय नियमों का समर्थन। मनपसंद सरकार बहाली तथा बहुराष्ट्रीय निगमों का समर्थन इसे ले सकते हैं। वर्तमान में यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसे भी कुछ इसी नज़रिए से देखा जा सकता है। शीत युद्ध के दौरान, जिसका काल 1945-1990 मानते हैं, उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों में संसाधनों की पूर्ति के लिए कई कदम उठाए गए, और उन कदमों में संसाधन दोहन के इलाकों और समुद्री परिवहन मार्गों पर सेना की तैनाती किया जाना, महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण करना, स्टोर करना, संसाधनों, जरूरत वाले संसाधनों के उत्पादक देशों में अपने पसंद की सरकारें बैठाना, और साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं, जो मूलतः विकसित देशों से आती हैं, इन कंपनियों और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों से समझौता करना, ये भी एक वर्तमान भू राजनीति का एक पहलू है। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो बहुत ही अमीर कंपनियां हैं, अपने अपने देश की सरकारों को काफ़ी सहायता देती हैं, और उसकी एवज में वे इन सरकारों से
ऐसे कानून बनाने का, ऐसी संधियां करने का, ऐसे भू क्षेत्र को हथियाने का दबाव डालती हैं जिससे इन कंपनियों को प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण में फ़ायदा मिले।